हासिल किया था और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के मजहब, हिंदुओं के मजहब और दीगर मजाहिब पर बाज़ाब्ता हमले करना शुरू किए थे, बाज़ाब्ता मुनाज़रे होते थे, ईसाई अपने उलमा को पेश करते थे और इधर से उलमाए किराम या दूसरे मजाहिब के बड़े बड़े जिम्मेदार आपस में बहसों मुआहिसा करते थे, जिसके नतीजे में यह अलग बात है कि मुसलमान उलमा अपने फिक्र तदब्बुर और इल्म फ़ज़्ल की बुनियाद पर गालिब होते जो होना ही चाहिए था। अर्ज करने का मकसद यह है कि वो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान की जमीन को और हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया की उसे और हिंदुस्तान के अंदर जो दस्तगाहें थी उन पर बाज़ाब्ता हमले कर रहे थे। आज हम यहां पर अल जामियतुल अशरफिया के इस वसी हाल में या इस वसी में जगह पर जो बैठे हुए जश्न आजादी मना रहे हैं, अगर अंग्रेजों की हुकूमत होती तो आज हमारी ये शक्ल ये सूरत हाल सामने नहीं आती। बिलाशुबा हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, मगर यह आजादी की जंग इससे बहुत पहले टीपू सुल्तान से शुरू हो चुकी थी। इस बंदे खुदा ने टीपू सुल्तान के मजार पर कई बार हाजिरी दी है, हमने अपनी आंखों से वो मकाम भी देखा है जहां पर टीपू सुल्तान के को मारा गया था और शहीद किया गया था, हमने उस मस्जिद को भी देखा है जहां वो नमाज पढ़ा करते थे, हमने वो कुआं भी देखा है जहां बाज़ाब्ता तौर पर सारा निजाम चलता था। तो टीपू सुल्तान कोई मामूली मुजाहिद नहीं था, हैदर कोई मामूली मुजाहिद नहीं था, वहां से जंगों का आगाज होता है और वो भी सब गद्दारियों की बुनियाद पर नाकाम हुए थे। वरना सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान पर हुकूमत मुसलमानों की थी। कौन नहीं जानता कि आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसने जिंदगी जमीन पर जिस तरह अपने बाप दादा की हुकूमतों का साया बनकर वो आगे बढ़ रहा था, मगर वो सुस्त था, यकीनन उसके अंदर वो जवानियत नहीं थी। बिलाशुबा वो शायर था, बिलाशुबा बड़ा आदमी शायर था, मगर सच्चाई ये है कि बिलाशुबा कि जिन लोगों ने जंगे लड़ी हैं वो जंगे वो लड़ने वाले थे जो हैदर कर्रार के जानशीन थे, जो इमाम हुसैन के जानशीन थे, जो कलमाए तैयबा पढ़ने वाले थे। हम ये नहीं कहते कि दूसरे लोगों ने जंगों में हिस्सा नहीं लिया है, मगर बुनियादी किरदार अदा करने वाले उस दौर में भी मुसलमान थे और 1947 के अंदर भी यकीनन मुसलमानों का किरदार भी बहुत बड़ा रहा है, इससे कोई शुबा नहीं है। हम ये जानते हैं कि हिंदुओं ने हिस्सा लिया है, हम ये जानते हैं कि सिखों ने भी हिस्सा लिया है, हम ये जानते हैं कि दूसरे लोगों ने भी हिस्सा लिया है, मगर यह सच्चाई यह है कि अल्लामा फज़ल हक खराबादी का फतवा था और वो दूसरा मुजाहिदीन इस्लाम मुजाहिदीन थे जिन्होंने वतन अजीज की कुर्बान, वतन अजीज की आजादी के लिए अपनी जबान और कलम फिक्र और फन और तमाम ताकतों का इस्तेमाल करके जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह का फजल करम है। बंदा अल्लामा फज़ल हक खराबादी के मजार पर भी हाजिर हुआ है, वहां जाने के बाद हमने आंखों से उनका जलवा देखा है और आज भी उनकी करामत हमने अपने आंखों से देखी है। एक दरख्त है अंदर, उस दरख्त को उनके बिल्कुल सराहने हैं, कुछ कम के अंदर है और कुछ कम से बाहर है। हमने आज किया कि इस दरख्त को आपने काटा क्यों नहीं, लोगों ने वहां बताया ना काटे कैसे। इस दरख्त का मामला यह है कि हजरत की करामत से ये दरख्त अंदर ही से अंदर पीछे को मुड़ रहा है, ये कब्र की जानिब आना ही नहीं चाहता, हम क्यों इसको काटे। वल्लाह अज़ीम इसमें कोई शुबा नहीं है, हमने उन मकाम को देखा है। बताना हम ये चाहते हैं कि आज 15 अगस्त है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह जश्न आजादी मनाया जा रहा है और जिस तरह मनाने के हमको आदत दिए हैं, ये बड़ा शुबा सच है कि हिंदुस्तान के मदारिस की जंग आजादी में का जश्न मना रहे हैं। बड़ा शुबा हिंदुस्तान के मदारिस हो या दूसरी मजहबी खानकाहें हो या दूसरे मजाहिब की इबादत गाहें हो,
अंदर मनाया जा रहा है। हर घर पर आजादी का झंडा और हर मकाम पर आजादी का झंडा लगाकर हुकूमत हिंद ने जिस तरह दंगे आजादी के साथ वफादारी का स्वरूप दिया है, इसको कभी नहीं मिटाया जा